हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोगों के लिए हिंदी की सीरीज स्टार्ट की है, तो उसमें आज ही हमारा फोर्थ टॉपिक है। आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ कि जो पहले की वीडियोज हैं वो देख चुकी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, ठीक है। चैनल पर एक अलग से प्ले लिस्ट में बना देती हूँ, ओके। फ्रेंड्स, ये जो हिंदी की क्लासेज हैं, ये आप लोगों के लिए, जो आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर हिंदी आती है, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एचटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका DSSSB का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका EMRS का एग्ज़ाम हो, आपका चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर हिंदी आती है, सभी के लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से देख रहे हैं तो वीडियोज़ को सीरीज़ में देखिएगा, ताकि आपकी समझ अच्छे से विकसित हो सके। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो है हमारा वाक्य, ठीक है। वाक्य क्या होता है, हमें वाक्य के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, लास्ट में मैं आपको ना एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी, तो आप लोग जब एग्जाम्पल की हेल्प से समझोगे ना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब तक आप लोग क्या करते थे, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है, वाक्य की डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये जो सरल, संयुक्त और मिश्र, इससे ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलता है, और आप लोगों का क्वेश्चन वहाँ पर गलत हो जाता है, तो आज के बाद वो गलती नहीं होगी, ठीक है। जो वाक्य जो होता है वो शब्दों का सार्थक समूह होता है। जब वाक्य मिल, जो शब्द जो होते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, वर्ण पढ़ा था। जब वर्ण मिल करके कोई समूह बना रहे थे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता था, शब्द कहलाता था। लेकिन जब शब्द आपस में मिल गए हैं और वो एक समूह बना रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है शब्दों के सार्थक समूह को, जिसका कोई मीनिंग निकल रहा हो। जैसे कि भाई, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, मैं स्कूल जाता हूँ, ओके। तो ये क्या है हमारा, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ये सारे जो शब्द हैं आपस में जुड़ गए हैं, तो ये क्या कहलाता है, हमारा वाक्य कहलाता है। लेकिन अगर मैं इसको कह दूँ, मैं हूँ जाता स्कूल, ठीक है, तो इसकी कोई मतलब सेंस नहीं निकल रही, कुछ सेंस निकलनी चाहिए, ठीक है। कोई भी वाक्य हो, उसकी सेंस अच्छे से निकलती है, वो एक भावार्थ को शो करता है, तो उसको क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों का जो समूह होता है वो सार्थक होना चाहिए, ओके। अब आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, ये न्यू क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि भाई आपसे पूछ ले, भाई वैसे तो आपने क्या पढ़ लिया कि भाषा का जो मतलब भाषा के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, किसके आधार पर, भावार्थ के आधार पर, अगर अर्थ के आधार पर पूछता है तो शब्द हो जाता है, वैसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो जाता है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछता है कि भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो हमारी क्या रहेगी, वाक्य रहेगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ओके। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है, अब मैं आगे चलती हूँ। वाक्य जो होता है, वाक्य के अंदर सबसे पहले मैं आपको घटक बता देती हूँ, ठीक है, टाइप्स फिर बताऊँगी, कभी कभी हमसे घटक भी पूछे जाते हैं। तो वाक्य के दो घटक होते हैं, जिनको अवयव भी बोल सकते हैं, अंग भी बोल सकते हैं। वाक्य के दो घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, ठीक है, उसे सूचित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है, उसे सूचित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन से तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या एग्जाम्पल दिया था, भाई मैं स्कूल जाता हूँ, क्या बताया था मैंने आपको, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये हमारे पास क्या था, एक वाक्य था। अगर इसके अंदर हमें आ जाता है कि भाई इसके अंदर उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है, तो हमें क्या देखना है, भाई जिस वस्तु के बारे में कुछ कहा जा रहा है, यानी एक तरह से जो हमारा सब्जेक्ट जो है, मैं जो है, जो कर्ता जो है, वो हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य। इसके इस मैं स्कूल जाता हूँ, इस वाक्य के अंदर जो उद्देश्य है वो क्या है, मैं, और स्कूल जाता हूँ ये हमारा क्या है, विधेय है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, जो मैं है वो क्या है, उद्देश्य है, स्कूल जाता हूँ ये क्या है, विधेय है। तो उद्देश्य और विधेय में आप लोगों को पता लग गया होगा, भाई जिसके बारे में कुछ बात की जाती है, यानी मोस्टली जो हमारा सब्जेक्ट जो होता है उसको हमें क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, और जो चीज़ बताई जा रही है उसको क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं, ओके। एक इस पॉइंट को भी थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी देखने की, ठीक है। वाक्य के जो अनिवार्य जो तत्व होते हैं वो कितने बताए गए हैं, 6। भाई वाक्य के जो हमने घटक पढ़े वो कितने पढ़े, 2 पढ़े, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। अब वाक्य के जो अनिवार्य तत्व हैं वो 6 तत्व हैं, कौन कौन से, सार्थकता। भाई वाक्य के अंदर क्या होती है, सार्थकता होती है, कोई ना कोई उसके अंदर योग्यता होती है वाक्य की,
ठीक है। आशक्ति यानी निकटता, जो शब्द जो लिखे जा रहे हैं उनके आपस में उनमें क्या होती है, निकटता होती है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कोई आकांक्षा होती है, पदक्रम होता है उनका, एक उचित क्रम होता है, और अन्वय। ये जो छह जो तत्व हैं इनको बस एक बार थोड़ा सा देख लेना है, कभी आपसे ऑप्शन में दे करके पूछ ले भाई इनमें से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है, कौन कौन से हैं, सार्थकता, योग्यता, आशक्ति, आकांक्षा और पदक्रम और अन्वय, ये सब क्या है वाक्य के छह अनिवार्य तत्व हैं। अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं समझा है लेकिन इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या चीज़ भाई, जो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, जो टाइप मैं आपको बता रही हूँ इनको आपसे ध्यान से समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पुट होता है। सरल वाक्य क्या होते हैं, एक प्रवाह में आसानी से बोला जाए, जिसको हम एक प्रवाह में आसानी से बोल दें वो क्या होता है, सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जो वाक्य जो होते हैं, दो जो हमारा वाक्य होगा उसके अंदर हमें उपवाक्य मिलेंगे, और वो उपवाक्य वो होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होंगे, वो अपने आप में क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य के अंदर दो उपवाक्य होंगे तो उसके अंदर एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प से समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे सरल वाक्य के अंदर, यानी मैंने बोल दिया आपको कोई एक प्रवाह में आसानी से बोल दिया, जैसे कि मैंने कहा हवा का तीव्र झोंका आया, ठीक है, मैंने क्या कहा, हवा का तीव्र झोंका आया, तो वो तो क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। लेकिन मैं अगर बोलती हूँ कि हवा का तीव्र झोंका आया और उड़ा ले गया, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि ये संयोजक से जुड़े होते हैं। हवा का तीव्र झोंका आया ये अपने आप में एक अलग उपवाक्य है, उड़ा ले गया ये अपने आप में एक अलग उपवाक्य है, और ये किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, जब आप रटोगे कि भाई हमें और मिल जाए, ताकि मिल जाए, तो हमारा मिश्र हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, तो उससे आपको याद नहीं होगा, आपको कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। इससे आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, भाई हवा का तीव्र झोंका है वो अपने आप में एक अलग उपवाक्य हो गया, उड़ा ले गया वो अपने आप में एक अलग उपवाक्य हो गया, और दोनों के बीच में क्या मिल रहा है, हमें संयोजक मिल रहा है। संयोजक क्या होता है, दो चीज़ों को जोड़ने वाला होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त उपवाक्य हो गया। अभी जब हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की, अगर मैं बोलती हूँ कि हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया, हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया कि सब उड़ा ले गया, ठीक है। अब इस वाक्य में देखिए कि क्या चेंजमेंट है, हमें मिश्र वाक्य के अंदर क्या मिलता है, एक तो हमारा क्या होना चाहिए, प्रधान उपवाक्य होना चाहिए, तो हवा का तीव्र झोंका आया ये तो हमारा क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। कैसा आया भाई, कि सब उड़ा ले गया, ये क्या हो गया, आश्रित है किसके ऊपर, प्रधान उपवाक्य के अंदर। तो आपको समझ में आया, इसके अंदर जो उपवाक्य हैं वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोल देती हूँ कि भाई सब उड़ा ले गया, तो उसका मतलब कोई सेंस नहीं निकलती, भाई कैसा आया था, क्या हुआ था, जब जो सब कुछ उड़ा ले गया तो क्या हुआ था, हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। अभी आप लोगों को और आगे थोड़ा सा मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखिए अर्थ के आधार पर बाद में देखेंगे, पहले हम इन्हीं को देखते हैं। देखो एग्जाम्पल देखिए, नरेश और रीना पढ़ती हैं, फर्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है, नरेश और रीना पढ़ते हैं। अब आप लोगों ने देखा नरेश और यहाँ पे क्या आ गया, और आ गया, तो ये तो संयुक्त हो जाएगा। काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं कि भाई और से जहाँ पे और दिख जाए तो वो संयुक्त हो गया, नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। इसको सीधे एक ही सेंटेंस में हम बोल रहे हैं, एक ही क्रिया हमारे पास है, एक ही बार में इसको आसानी से बोला जा रहा है ना, तो ये कौन सा वाक्य होगा, हमारा सरल वाक्य होगा, साधारण वाक्य होगा, नरेश और रीना पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राम आया और मेरे पास बैठ गया, भाई राम आया और मेरे पास बैठ गया, राम आया अपने आप में एक अलग सेंस दे रहा, भाई राम आया मेरे पास बैठ गया, मेरे पास बैठ गया राम, ठीक है। दोनों अपने आप में क्या है, स्वतंत्र उपवाक्य हैं, किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त उपवाक्य हो जाएगा, ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, मैं जाना चाहता था परंतु जा नहीं सका, भाई पहला क्या कह रहा है, मैं जाना चाहता था, अपने आप में एक अलग उपवाक्य है, परंतु जा ना सका, ये अपने आप में क्या है, एक अलग उपवाक्य है, दोनों जुड़े हुए हैं, इनमें जो संयोजक चिन्ह है वो क्या है, परंतु का है, परंतु से जुड़े हुए हैं, भाई जाना चाहता था जा ना सका, दोनों अपने आप में क्या है, स्वतंत्र उपवाक्य हैं, एक संयोजक से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा कौन सा उपवाक्य हो जाएगा,
संयुक्त उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मंजू सीमा और कविता गाती नाचती और खेलती हैं। अब आप लोग क्या करोगे, भाई बहुत लंबा दिखाई दे रहा है, और भी आ गया, यहाँ पे भी और आ गया, यहाँ पे भी और आ गया, तो पता नहीं ये तो संयुक्त होगा या मिश्र होगा। नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं आपको इसको बोल रही हूँ, मंजू सीमा और कविता गाती नाचती और खेलती हैं, तो ये अपने आप में क्या है, एक ही सेंस दे रहा है, एक ही परवाह में इसको बोला जा रहा है। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा हमारा, जो सरल वाक्य मैंने आप लोगों को अभी बताया था, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य, साधारण वाक्य जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, श्याम काम करता तो अवश्य उन्नति करता। अब इसको देखो, श्याम काम करता, ये तो क्या है, प्रधान वाक्य उपवाक्य हो गया, तो अवश्य उन्नति करता, ये दोनों अपने आप में क्या हो गई, डिपेंडेंट हो गई ना। तो अवश्य उन्नति करता, भाई कब करता, जब वो काम करता तभी तो उन्नति करता ना, तो ये हुआ हमारा मिश्र वाक्य, ठीक है। समझ में आया, ये हमारा कौन सा एग्जांपल हुआ, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखिए, यही यह वही व्यक्ति था जो कभी धनवान था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, भाई जो कभी धनवान था, कब था, कौन था, ठीक है। तो ये जो हमारा उपवाक्य है, ये जो हमारा प्रधान उपवाक्य है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। ये हमारा आश्रित उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, उसे घर भेज ताकि झगड़ा ना हो, भाई ताकि झगड़ा ना हो, कब ना होगा झगड़ा, पता होना चाहिए, उसे घर भेज देंगे तब। तो ये जो आश्रित उपवाक्य है, ये इस प्रधान उपवाक्य के ऊपर क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है, भाई झगड़ा कब नहीं होगा, जब हम उसको घर भेज देंगे। तो डिपेंडेंसी शो करता है तो वो मिश्र वाक्य होता है, ओके। अगर डिपेंडेंसी शो नहीं करता है, दोनों का अपने आप में अलग अलग अर्थ होता है, तब वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त में। और जो मिश्र है, उन दोनों में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कि देखिए, अखिल प्रातः नित्य टहलता है और दूध पीता है, अखिल जो है वो नित्य टहलता है, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, एक अलग अर्थ को शो कर रहा है, अखिल नित्य टहलता है और दूध पीता है, दूध भी पीता है, ठीक है। दोनों जो सेंटेंसेज हैं, जो दोनों जो फ्रेजल जो फ्रेजेज हैं, दोनों जो उपवाक्य हैं, इनके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये हमारे कौन से वाक्य हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएगा हमारा, कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। नाइन्थ देखिए, आप चुप रहिए, आप क्या रहिए, चुप रहिए, अथवा या फिर बाहर चले जाइए, या तो आप चुप रहिए या फिर बाहर चले जाइए, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप चुप रहिए अपने आप में एक अलग सेंस दे रहा है, बाहर चले जाइए अपने आप में एक अलग सेंस दे रहा है, दोनों की किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों को संयोजक से जोड़ा गया है। जब दोनों जो उपवाक्य हैं वो हों, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट ये देखिए, एट्थ वाला देखिए, यद्यपि वह मोटा है तथापि वह डरपोक है। भाई वह क्या है, मोटा है, लेकिन फिर भी क्या है, वो डरपोक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, दोनों जो उपवाक्य हैं वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं। वह डरपोक है, डरपोक है, लेकिन वह मोटा भी है, मोटा होकर भी क्या है, वो डरपोक है, ये सेंस दिखा रहा है ना। आपस में दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या दिखा रहे हैं, डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिए हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब तो ये तो हमने क्या किए थे, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद थे, तीन थे। वाक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो रचना के आधार पर और एक हमारा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। भाई सरल वाक्य जो एक परवाह में आसानी से बोला जाए, उसको तो आप आराम से पहचान ही लोगे, लेकिन कन्फ्यूजन किस में होता है, संयुक्त में और मिश्र में। अब फ्रेंड्स, संयुक्त में क्या आपको देखना है कि जो दो हमारे पास उपवाक्य होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, अलग अलग अर्थ दे रहे होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं और किसी योजक से जुड़े हुए होते हैं, कोई उनके बीच में संयोजक होता है, उनको जोड़ने वाला होता है, लाइक और, अथवा, किंतु, परंतु, ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारा मिश्र जो वाक्य है, उसके अंदर एक उपवाक्य होगा, वो तो अपने आप में क्या होगा, प्रधान होगा, और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंसी दिखाएगा, ठीक है। और इनके अंदर ज़्यादातर क्या मिलेंगे, ताकि, तथापि, यद्यपि,
इस तरह के वर्ड देखने को मिलेंगे। आपको वर्ड को नहीं पकड़ना है, आपको देखना है कि वो डिपेंडेंसी शो कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने सरल वाक्य आपको बताया, भाई हवा का तीव्र झोंका आया, ठीक है, और अगर मैं कहूँ हवा का तीव्र झोंका आया और उड़ा ले गया, तो वो कौन सा हो जाएगा? संयुक्त। और मैं बोलूँ हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया कि सब उड़ा ले गया, तो ये कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। उम्मीद करती हूँ अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल भी कमेंट करके नहीं बताते हो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ अर्थ के आधार पर, हमें पता होना चाहिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके, बट पढ़ना तो है ही। देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। कौन कौन से भेद होते हैं? विधानार्थक, जिसको हम विधिवाचक भी बोल सकते हैं, निषेधवाचक, नकारात्मक, ठीक है, प्रश्नवाचक, जहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, इच्छार्थक, जहाँ पे कोई इच्छा जताई जा रही हो, आज्ञार्थक, जहाँ पे आज्ञा दी जा रही हो, कुछ ऑर्डर दिया जा रहा हो, संकेतवाचक, जहाँ पे कुछ संकेत शो किया जाता हो, संदेहार्थक, जहाँ पे संदेह की अवस्था हो, और विस्मयबोधक, जहाँ पे हे अरे का यूज होता है। ठीक है, आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ, ये तो बहुत आसान होता है, बिल्कुल बच्चों वाला काम होता है। ठीक है, जैसे कि तुम खाओ, तुम खाओ, तो इसमें क्या दे रहे हैं हम? आज्ञा दे रहे हैं, भाई तुम खाओ इसको। प्रश्नवाचक, क्या तुम खा रहे हो? तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। विधिवाचक, खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, या फिर मैं बोलती हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है, तो वो क्या हो जाएगा? विधिवाचक। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, तो ये सब क्या है? निषेधवाचक, जहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। उसके बाद आ जाता है विस्मयवाचक, जहाँ पे आपको ये जो साइन है ये दिखाई देता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ओ मेरा सिर फटा जा रहा है, जहाँ पे क्या हो? विस्मय हो, अरे ये क्या हो गया, ठीक है, ओ वो तो बहुत सुंदर है, तो ये सब क्या होते हैं? विस्मयवाचक। संदेहवाचक, उसने खा लिया होगा, इसमें हमें हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, हम सिर्फ अंदाज़ा शो कर रहे हैं कि उसने ऐसा कर लिया होगा, संदेह में है। इच्छावाचक, तुम अपने कार्य में सफल हो जाओ, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप उसमें अच्छा अचीव कर पाओ, तो ये मेरी क्या है? इच्छा है। संकेतवाचक, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, तो इसमें क्या हो गया? संकेत हो गया, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, तो इसमें क्या दे रहे हैं? संकेत दे रहे हैं। तो ये 8 जो थे ये अर्थ के आधार पे थे। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बेस्ट वे में समझा पाऊँ। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे थोड़े से मुझे मोटिवेट करने के लिए, रेनफोर्समेंट के लिए आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, और वो जो आप कमेंट ड्रॉप करेंगे वो बिल्कुल रियल होना चाहिए कि हाँ आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ कल दूसरे टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि कल कौन सा टॉपिक लेकर के आना है। ठीक है।